बताता हूँ, इनको 26 जनवरी से ही प्रॉब्लम है, इनको तिरंगे से परेशानी है। मैं आपको साफ बताऊं वो क्यों है तिरंगे से परेशानी। आज आधे हिंदुस्तान में जो इनके भक्त बैठे उनको ये नहीं पता होगा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में फर्क क्या है। ये तिरंगे विरोधी लोग हैं, इनको तिरंगे का मान करना ही नहीं आता। असल में आपको दिखेगा लाखों तिरंगे लहराएंगे कल दिल्ली में, जो लाखों तिरंगे लहराएंगे उनसे इनको परेशानी है। आप जानते हो कि इनको तिरंगे से प्रॉब्लम क्यों है? जानते हो? क्योंकि तिरंगे से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो तिरंगे में हरा रंग है वो इनको काटता है। ये मुस्लिम विरोधी लोग हैं, इन्होंने आज तक तिरंगा अपने 52 साल तक वहां नहीं लड़ाया, उसका रीजन क्या है? आज एक तिरंगा झंडा, ये लोग कहते हैं कि जो भगवा है वो हिंदू की पहचान है, और ये लोग कहते हैं जो हरा है वो मुस्लिम की पहचान है। जो तिरंगा झंडा हिंदू और मुस्लिम को एक यूनिटी में बांध के रखता है, ये कौन होते हैं हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ने वाले? इनको पता क्या है मुस्लिमों के इतिहास के बारे में? 1857 ईस्वी का प्रमुख नारा मदारे वतन भारत की जय किसने लिखा? अजीमुल्लाह खान साहब ने, जो कि एक मुस्लिम थे और उन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत योगदान दिया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ उसमें भारत छोड़ो जो शब्द थे वो किसने लिखे? उसे लिखने वाले भी एक मुसलमान थे, यूसुफ मेहर अली साहब। उसके बाद जो जय हिंद का नारा दिया, जिसको जय हिंद के नारे को आज सारा हिंदुस्तान उसके सम्मान में झुक जाता है, आज जय हिंद कहकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, उसको लिखने वाले भी एक मुसलमान थे। और उसके बाद जो इंकलाब जिंदाबाद को कहते हुए भगत सिंह फांसी के फंदे पे चूम गया, राजगुरु फांसी के फंदे पे चूम गया, वो इंकलाब का नारा भी किसने लिखा? वो लिखने वाले भी मुसलमान थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको भी किसने लिखा? इसको लिखने वाले भी मुसलमान थे, अजीम साहब। उसके बाद जो आपने सुना होगा नारा बड़ा प्रमुख है कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीधा हमारा, इसको भी किसने लिखा? इकबाल साहब ने लिखा। आज उन्होंने मुसलमानों ने इतना देश में सहयोग दिया है, उसके बाद जिस तिरंगे के आगे पूरा हिंदुस्तान नतमस्तक होता है, उस तिरंगे की शान में भी जो ये भूमिका निभाई थी इसके डिजाइन को लेकर के, वो किसने निभाई थी? ये भूमिका निभाई थी सुरैया जी ने। आज मुसलमानों का इतिहास जो है इनको पता ही नहीं है, आज ये मुस्लिम विरोधी लोग हैं, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि तिरंगा ना फहराया जाए। तिरंगे का हरा रंग इन्हें काटता है, ये भगवे के सिर्फ पक्ष में रहते हैं, और तिरंगा हमारे हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है, आज वो शांति का प्रतीक है। आज मुसलमानों के अगेंस्ट काम करते हैं, और ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने सिर्फ नारे दिए हैं, उन्होंने नारे के अलावा भी जितने लोग हैं, जो आपको मैंने बताया अजीमुल्लाह खान साहब, उन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में जो हमारे तात्या टोपे वगैरह थे, जो बाकी जो उनके जो बंदे थे उनके साथ मिलकर के अपना सहयोग दिया, सारे बंदे जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। तो ये लोग जो है मुस्लिम विरोधी हैं, ये नफरत के मुसाफिर को किनारा नहीं मिलता, नफरत के मुसाफिर को किनारा नहीं मिलता, डूब जाते हैं अक्सर पर सहारा नहीं मिलता। ये डूबेंगे। कल 26 जनवरी है, उसकी क्या क्या तैयारी है? जी 26 जनवरी की बहुत बढ़िया तैयारियां हैं शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालने की, पर आपको पता होगा कि सरकार जो है वो हमेशा से ही किसानों के विरोध में रही है। अगर पक्ष में रही होती तो इतनी वार्ताएं ना करती, पहले दिन में ही अपने जो कानून थे वापस ले लेती। अब सरकार ने जो राजनीतिक आदमी होते